वाह भाई मस्त लग रहा, यहाँ पे क्लासेस चलेगी और यहाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग, गुड मॉर्निंग। तो कैसा आप सब, उम्मीद है कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज आप लोग देख सकते हैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। तो एक्चुअली ना इस बीच मतलब टाइम नहीं मिल पाया, और आज भी देख सकते हैं मैं इधर अपने हॉस्पिटल में हूँ, अपने हॉस्पिटल मतलब अपने जिला अस्पताल गोपेश्वर में हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली दीदी की तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसी के साथ आ रहा था। लगभग 8-10 दिन हो गए हमें यहाँ। तो उससे पहले भी घर में ऐसे काम था, लगभग मुझे वीडियो बनाए हुए 15-20 दिन हो गए। तो उससे पहले मतलब घर में ऐसी थोड़ा बहुत काम कुम था। तो आज फाइनली जाके मतलब मैंने कहा यार कर देता हूँ, तो ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो अब से कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन 4-5 दिन में ब्लॉग आता रहे। तो सबसे पहले आज है 26 जनवरी, तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि आप लोग खूब सारा इंजॉय कर रहे होंगे गणतंत्र दिवस की। हालांकि मैं ये वीडियो तो कल अपलोड करूंगा, और मतलब 27 जनवरी को। तो चलो करते हैं आज के व्लॉगिंग की शुरुआत, और देखते हैं आज के व्लॉग में क्या क्या होता है। बस आप ऐसे ही व्लॉग में बने रहो। तो ये है दोस्तों हमारा चमोली जिले का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो अंदर जाते हैं, जरा दीदी से मिलवाता हूँ आपको। और भाई मैंने मास्क भी पहन लिया है, क्योंकि हॉस्पिटल है और कोरोना के जो केस है वो बढ़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो चलो, तो दीदी है इस वाले रूम में, बाकी ये है हमारे भाई, तो इनकी मम्मी जी यहाँ एडमिट है। तो ये है दीदी, तो ये है दीदी। तो दीदी का ना ऑपरेशन हुआ था, लीवर में थोड़ी दिक्कत थी। बाकी इनके साथ एक कॉल आ रहा है, और ये है भाई की मम्मी मतलब संजू की मम्मी, और ये है दीदी की जिठानी मतलब मेरी बड़ी दीदी हुई है। बाकी यहाँ पे तो अभी हम जरा जा रहे हैं यहाँ मतलब हॉस्पिटल के यहीं जस्ट बगल पे कैंटीन है, तो दीदी लोगों के लिए मतलब खिचड़ी लेने जा रहे हैं। तो ये रही खिचड़ी दोस्तों, तो इसके लिए जाएंगे। और एक ये है, एक्चुअली ना इससे पहले मतलब आज पहली बार हम कैंटीन से ला रहे हैं। वैसे मैं घर से बना के लाता हूँ खिचड़ी वगैरह, दलिया वगैरह, मतलब जो भी उनके लिए खाने के लिए डॉक्टर साहब ने बोला हुआ है। तो आज थोड़ा लेट हो गया था, तो हमने कहा चलो यहीं से ला लेते हैं। यू जा रहा ये थोड़ी नहीं था, ठीक है। तो अभी यहीं हॉस्पिटल के जस्ट बगल पे पुलिस स्टेडियम है, तो जो लोग यहाँ लोकल्स हैं तो उनको पता होगा। तो अभी वहीं पे मतलब 26 जनवरी पे प्रोग्राम हो रहा है, तो हम लोग वही प्रोग्राम देखने जा रहे हैं। तो भाई यहाँ पर भयंकर वाला ट्रैफिक लग चुका है भाई। दोस्तों भाई यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हो रही है, और मैं तो यहाँ पर मतलब मज़े से धूप में बैठ रखा, और मेरे साथ जो संजू था वो भाई यहाँ पीछे पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है। बाकी ये अपने हॉस्टल के भाई हैं, ये है भीड़ मतलब इधर शेरपुर में आपको ऐसे दिखा नहीं सकता। अगर मैं वहाँ पर जाता ना तो वहाँ से पूरी भीड़ दिख जाती, बट इधर साइड ना ज़्यादा भीड़ है, वहाँ से ऊपर आप देख सकते हैं इधर इधर मतलब सब जगह भीड़ है काफ़ी ज़्यादा। नाम क्या है?
कार्तिक तुम्हारा नहीं है प्रोग्राम? इधर प्रोग्राम नहीं है, नहीं है। प्रोग्राम वगैरह खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ पे एक बंदर दिखा, तो देख सकते हैं इसकी पोज, देख सकते हैं काफी तगड़ी वाली लग रही है। तो इसका एक पार्टनर और आ गया यहाँ पे। भाई अब दूर जाता हूँ, कहीं काट वाट ना दिए। तो अभी आ रखा हूँ मैं अपने हॉस्टल में। तो आज काफ़ी दिनों बाद हॉस्टल में आ रहा हूँ, मतलब अब ऐसा आया तो मैं 6-7 दिन पहले था, बट फटाक से आया और फटाक से गया, मतलब जितना जल्दी आया उससे भी जल्दी वापस चले गया था। तो आज मतलब काफ़ी देर से मतलब मैं हॉस्टल में हूँ। तो अभी हॉस्पिटल में एक कम्बल और चाहिए थी तो वो ले जा रहा हूँ यहाँ पे। ये है भाई अपना हॉस्टल। तो काफ़ी दिनों बाद आज हॉस्टल व्लॉग में आ रहा है। बाकी यहाँ पर स्कूटी है और ये कम्बल। तो ये है दोस्तों जो कॉलेज की न्यू बिल्डिंग बन रही थी, तो देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है यार, ज़बरदस्त लग रहा है ये। मतलब अब इस पर कलर कूलर अभी अंदर होना बाकी है, बाकी बाहर से मतलब 100% काम हो चुका है यहाँ पे। और ये है इसका मेन गेट, एंट्री गेट। तो आगे से जाते हैं ज़रा। तो ये रहा दोस्तों, तो ये ना मतलब इतना प्यारा लग रहा है। तो अभी थोड़ा अंदर जाके भी देखते हैं। तो अंदर का सीन अभी सफाई करना बाकी है भाई, बाकी शायद यहाँ कलर वगैरह भी हो गया है, तो हल्का फुल्का साफ सूफ करना है अभी, शायद काम है इधर, दिख रहा काम इधर, अभी खाली छोड़ा गया ऐसे नीचे। तो अभी ऊपर भी शायद सेम वैसे होगा। तो अभी मैं ज़रा जल्दी में, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ तो स्टूल वगैरह रखे हुए हैं शायद। हाँ ये देखो, मतलब क्लास है, क्या तगड़ी क्लास है भाई ये। आप मतलब जो यहाँ पढ़ेगा तो उसको पढ़ाई के साथ साथ जो वातावरण है तो वो उसका भी मज़ा मतलब ले सकते हैं। चारों तरफ से खिड़की, चारों तरफ से नहीं यार, उधर से एक दरवाज़ा है, तीन खिड़की है इधर। तो चलो अब ज़रा चलते हैं बाहर। एक गेट उधर साइड है तो वहाँ से भी दिखाता हूँ आपको ज़रा जल्दी। वहाँ पे मैंने स्कूटी खड़ी करी है। बाकी ये मतलब उतना अच्छा नहीं लग रहा जो हमारा पुराना कॉलेज है। बस खैर कॉलेज यही है पुराना, मतलब जो पुरानी बिल्डिंग है थी। तो खैर मेन तो यही है, बाकी ये तो ऐसी है अभी। अभी तो और भी बनेंगे इधर आगे, ऑडिटोरियम बनना है शायद ही। ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये मशीन होगी पता नहीं, ये क्या ऐसा लग रहा, पानी कंट्रोल करते होंगे इस, मेरे भी समझ में नहीं आए। ये भाई इसके अंदर एक बंदर जा रहा था अभी, अबे लापता हो गया, वहाँ नहीं वहीं पे। तो ये भाई गजब का लग रहा, मस्त। इसमें और इसमें फ़र्क देखो, ये नया और ये पुराना। वाह भाई मस्त लग रहा। यहाँ पे क्लासेस चलेगी और यहाँ पे पेड़ वगैरह, मतलब क्लास के साथ साथ आप मतलब जो भी यहाँ अंदर पड़ेगा वो व्यू भी देख सकता है इधर सामने का, क्या मस्त। तो हवा मतलब तगड़ा लग रहा है यार, गजब का। बाकी कॉलेज इधर आगे पे जहाँ हमारी क्लासेस चलती थी इधर। तो चलो अभी मैं अभी चलता हूँ ज़रा ऊपर हॉस्पिटल। तो अभी खाना वाना कुछ खाया नहीं, तो इसके बाद देखते हैं, भूख भूख लग रही वैसे। बाकी जो अपना मेन कॉलेज है तो इधर, और कुछ दिनों बाद जब ये सारा खाली हो जाएगा ना इधर, तो तब तो क्या ही लगेगा दोस्तों। तो तब तो तब है, तब और वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग देख पाएंगे। तो अभी तो फिलहाल जो था मैंने वो आप सभी को दिखा दिया। तो इधर आगे मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी, तो उधर क्या जाना। तो चलो चलते हैं, दूसरी तीसरी बार बोल लिया। तो अभी पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल में। मैं ये ना हॉस्पिटल में आके बहुत परेशान हो गया, लगभग 9 दिन हो गए, मैं 17 तारीख को आया था ना। तो इधर उधर कर कुर के ना परेशान हो गया। चलो खैर यार, इलाज सबसे पहले, स्वास्थ्य सबसे पहले। चलो रूम में ही पहुँची।
तो दोस्तों फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही था। आई होप कि आपको ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, और पसंद आए तो एक लाइक कर देना और एक छोटा सा कमेंट कर देना। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और साथ ही साथ वो बेल आइकन ऑन कर देना, और वो ऑल वाले समझ रहे हो ना, तो उसको प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय बद्रीशाह, वंदे मातरम। और कोशिश करते हैं कि व्लॉग मतलब दो तीन चार दिन में आए, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए।